माननीय अध्यक्ष जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूं कि मानसून सत्र को सकुशल संचालित करने और कई विधायी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के साथ ही वर्ष 24-25 का पहला अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में आया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष का वे वयोवृद्ध हैं, एक लंबा अनुभव विधायी कार्य का उनके सामने उनके पास है और अपनी सहजता और अपनी सरलता के कारण उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में हमारे सामने दिए हैं। और वास्तव में ज्ञान वो नहीं होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं, ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यवहारिक जगत में देखते हैं। और इसलिए हमारे यहां हमेशा बुजुर्गों वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है और हमारे यहां तो ये मान्यता है कि जो वो सभा सभा नहीं होती है जहां कोई वयोवृद्ध ना हो बुजुर्ग ना हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए और इसलिए मैं भी वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखता हूं निश्चित। सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी, मैं केवल इस एक बात हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने सर्वे अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है कि आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं उन्हीं को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने अपने बजट के दायरे को बढ़ाया। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा और हमारे यहां माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस के नेता श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने, जनसत्ता पार्टी के श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल निषाद राज पार्टी और सुहृदय राजभर पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं उन लोगों ने भी अपने वक्तव्य में जो बातें कही कि हमारा जो मूल बजट था वह 736,471,71,00,000 रुपए का था, मांग के अनुरूप और प्रदेश के अंदर इस दौरान जो कार्य हुए, यद्यपि इस पूरे समय में ज्यादातर समय हमें आम चुनाव का सामना करने में ज्यादा समय खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान जो कार्य हो रहे थे, अन्य जो एक्टिविटीज चल रही थी उनके कारण हम लोगों ने लगभग अब तक विभिन्न विभागों में एवरेज 40% से अधिक नीचे छुए हैं, 44% नीचे छुए हैं और
जिसमें से 20% से अधिक धन खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दुगने से अधिक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया और आज उसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पर कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर, पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है, जो आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बात का द्योतक है कि यह पैसा किसी स्थायी निर्माण में लग रहा है, ये रोजगार का सृजन भी करेगा और विकास की गति को भी तीव्र करेगा, तो उसी विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के सरकार के अभियान का वह हिस्सा है और पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसी का परिणाम है कि हम बजट के दायरे को दोगुना करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो GDP थी, अगर हम इसे 2015-16 की तुलना में देखें तो ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। ये दिखाता है हमारी दिशा सही है, उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए जो नए मत बनाए गए हैं उस मत में हम लोगों ने इस नए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 12,209,93,00,000 रुपए का इस सप्लीमेंट्री बजट हम लोगों को मानसून सत्र में लाना पड़ा है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का ये बजट वर्ष 24-25 का लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का मादा रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6वीं-7वीं अर्थव्यवस्था थी, आबादी हमारी सबसे ज्यादा, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6वें-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में कैसा परसेप्शन था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों का अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है, पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, सबकी निगाह से नहीं देखता है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आज हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है, आज हम देश की 7वीं नहीं बल्कि 2री बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 और 5 वर्ष का जो रोडमैप हम लोगों ने तैयार किया है
उस रोड मैप के साथ भी आज मैं सदन में इस सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो एक कार्य इस दौरान किया है, इसके परिणाम आज हमारे सामने आए हैं। और ये जो बजट है, ये बजट केवल एक बजट नहीं है, यह जो आकार बजट का बढ़ा है, दुगना, लगभग बजट दुगना हुआ है। यह लोक कल्याण के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेहतरीन कार्य हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब पर ये कार्य हुए हैं। और उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। आज इसी का सीधा परिणाम है कि प्रदेश के अंदर रोजगार के नए सृजन हुए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के त्रिशूर की चर्चा में कर रहा था कि जहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 2,00,000 कार्मिक वहां काम करते थे, लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या वापस आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें, इसी प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है और वह आज उत्तर प्रदेश में आकर के इन सभी कार्यों के साथ यहां जुड़ रहा है, अपने प्रदेश में आकर के प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में, नेशनल जीडीपी में भी अपने शेयर को बढ़ाने में सफल हुआ है। यानी पहले जो हमारी स्थिति थी कि हम 6 या 7% तक ही उत्तर प्रदेश, यानी आबादी हमारे पास जितनी थी लगभग 16 से 17%, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर होता था 6 से 7% होता था, आज 9 से 10% तक पहुंच चुका है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो विकास की दर है, अगर ये विकास की दर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी आबादी के अनुसार देश की जो नेशनल जीडीपी है उसमें अपना योगदान देने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश आज देश के उन राज्यों में है जिन राज्यों ने अपने प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से अपने को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। हमारी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम राज्य के अंदर करने में सक्षम है और उन सब के माध्यम से हम लोग एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, जिस पे आज हम इसी में चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों को टैक्स चोरी के लिए प्रभावी उपाय करने पड़े, रेवेन्यू लीकेजेज के जो कहीं से ऐसी स्थिति थी उसके लिए प्रावधान करने पड़े और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं जो हम सब यहां पर देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है इसके माध्यम से जो उस ट्रांजेक्शन को हम लोगों ने लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश की 196 योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से, 11 विभागों के माध्यम से 196 योजनाओं का 10,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने इसके माध्यम से बचत की है और 70,000 करोड़ रुपए 62,000 ट्रांजेक्शन के माध्यम से हम लोगों ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। ये डीबीटी कैसे एक गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था देने में सहायक होती है, यह डीबीटी उसका एक उदाहरण है। इस दौरान प्रदेश के अंदर रोजगार का जो सृजन हुआ है, रोजगार है, स्वतः रोजगार है, यह प्रदेश के अंदर बैंक के बिजनेस को भी बढ़ाने में सफल हुआ है। अगर 2016-17 में हम लोग प्रदेश के अंदर के सीडी रेशो को देखेंगे तो यह लगभग 44 से 46 के बीच में था, आज ये 60% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि रोजगार में यहां वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के अवसर यहां लोगों को प्राप्त हुए हैं और लोगों को इसमें बेहतरीन रूप से आगे इसके माध्यम से यहां पे अवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है।
रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए आप अपना बजट बनाएंगे, कर्ज लेंगे, अगर एक सीमा के ऊपर ये जाता है तो आपको कोई भी नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक आपको कर्ज के लिए अलाउ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रह रही है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी के बाद भी अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो FRBM की जो सीमा है वो 3.5 है, उत्तर प्रदेश 2.86 पर अपने वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सफल हुई है। यह एक बेहतरीन स्थिति किसी भी राज्य के लिए हो सकती है और वह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यों को किया है। प्रदेश के अंदर जो मैंने पहले भी कहा कि मूल बजट में एक बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम खर्च कर रहे हैं जो प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की गति को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है और इन चीजों को एक नई गति देने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से सफलता प्राप्त की है। महोदय, हम इस बात को अक्सर इस बारे में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने एक नए भारत का दर्शन कराया है, एक नया भारत जो भारत की 140 करोड़ जनता की आकांक्षा का प्रतीक बना है। दुनिया के हर क्राइसिस मैनेजमेंट में लोग भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं और लोगों के मन में विश्वास है कि कहीं दुनिया के अंदर संकट आएगा, भारत इसमें सहयोगी की भूमिका में खड़ा होगा, हर संकटग्रस्त व्यक्ति के साथ खड़ा होगा। और भारत के अंदर 140 करोड़ जनता जनार्दन का जो विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। इसके लिए उन्होंने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए वह अत्यंत अभूतपूर्व है और इसमें भारत की जो ग्रोथ रेट है उससे भी और भारत की जो GDP है उसमें भी हम जो बढ़ोतरी हुई है उसके माध्यम से इसको देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम देश के अंदर नेशनल एवरेज में अगर आप देखेंगे काफी वृद्धि हुई है। अगर हम लोग देश की अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे तो जो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसके साथ ही भारत $5 trillion की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं ये राज्यों के सहयोग से और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और इसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 trillion की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सके और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 trillion की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। $1 trillion की इकोनॉमी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ किए हैं उत्तर प्रदेश का बजट उसी की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसमें आपने देखा होगा $1 trillion की इकोनॉमी के लिए हम लोगों के रोड मैप तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूरे सभी विभागों को, अन्य संबंधित सेक्टर को 10 सेक्टर में हमने विभाजित किया। हर एक सेक्टर में कोई हमारा एक वरिष्ठ मंत्री उस सेक्टर की निगरानी कर रहा है, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी पाक्षिक रूप से उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उस पीढ़ से जुड़े हुए विशेषज्ञ, उस पीढ़ से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबका सहयोग इसके लिए लिया जा रहा है। और स्वयं CM डैशबोर्ड के माध्यम से मैं इसकी समीक्षा करता हूं और उसकी नियमित समीक्षा के साथ साथ
कौन से सेक्टर में कमी है, किस सेक्टर में कहां पे पुशअप करने की आवश्यकता है, उसके लिए उस प्रकार की कार्य योजना को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। इसमें जो 10 महत्वपूर्ण सेक्टर बनाए गए हैं, इन महत्वपूर्ण सेक्टर्स में हम लोगों ने जो अलग अलग कार्य योजना बनाई है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का है। आज आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का, इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का, हाईवे का एक बेहतरीन जाल बिछ चुका है। हमारे पास पहले से यमुना एक्सप्रेसवे थी, जिस समय 17 में हम लोग आए थे तब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अपने बनने के अंतिम चरण की ओर थी। पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने कई एक्सप्रेसवे बनाए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने भी और केंद्र सरकार ने भी सहयोग किया, जिसमें दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये अपने यातायात के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी को जोड़ने का, बुंदेलखंड को जोड़ने का एक माध्यम बना है, जो वहां की अर्थव्यवस्था के बैकबोन बनकर के आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेसवे, जिसके बीजीएफ के लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में हम लोगों ने धनराशि की मांग भी की है, हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 में हम गंगा एक्सप्रेसवे को, उससे पहले मेन कैरिजवे को बना करके तैयार करें, और दिसंबर 2024 का हम लोगों ने टारगेट दिया है कि मेन कैरिजवे को आप इसको बना करके तैयार करिए, जिससे प्रयागराज कुंभ के दौरान इसका उपयोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए और प्रयागराज को जोड़ने के लिए बेहतरीन माध्यम मिल सके, इस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के साथ ही हम लोग चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर से फरुखाबाद होते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए एक नई एक्सप्रेसवे पर कार्य हमारा बहुत शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। सर्वे के कार्य पूरे हो चुके हैं, इस कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ाने जा रही है, जिससे जो एक्सप्रेसवे के पीछे की सरकार की मंशा है उस एक्सप्रेसवे को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, जितने भी हमारी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है, या नेपाल से जुड़े हुए मार्ग हो, बिहार से हो, झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हो, मध्य प्रदेश या राजस्थान से जुड़े हुए हो, या फिर हरियाणा या उत्तराखंड या दिल्ली से जुड़े हुए, सभी फोर लेन की कनेक्टिविटी हो और यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक तोरण द्वार स्वागत कर आगंतुकों का स्वागत करता हुआ दिखाई दे। अगर नेपाल की सीमा पर है तो राज्य नहीं देश भारत नेपाल मैत्री द्वार उनका स्वागत करे, इसकी तैयारी, इस पर कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। अगर बिहार या अन्य राज्यों के साथ में है तो उत्तर प्रदेश और राज्य की मैत्री द्वार के रूप में उसकी पहचान होगी, इस कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। फोर लेन की हर जिला मुख्यालय फोर लेन से जुड़े, तहसील मुख्यालय फोर लेन के साथ जुड़े, ब्लॉक मुख्यालयों को टू लेन के साथ हम जोड़ सके, इस पर कार्य तेजी के साथ या तो पूरे हो चुके हैं या हो रहे हैं। हाईवे वर्ल्ड क्लास हाईवे का निर्माण यहां पर बन रहा है, लखनऊ से कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भारत सरकार के सहयोग से बन रहा है, और भी अन्य कार्य तेजी के साथ जहां यहां एक्सप्रेसवे के रूप में हाईवे के रूप में बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बने हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश ने एयर कनेक्टिविटी के लिए अब तक हमारे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 11 डोमेस्टिक एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील है और बहुत शीघ्र हम लोग 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को भी क्रियाशील करने जा रहे हैं। ये दुनिया का यानी
एशिया का सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से एक होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में हम लोगों ने और भी अन्य तमाम कार्य प्रारंभ किए हैं, और मुझे लगता है कि यह मार्गों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वाटरवे का निर्माण भी, वाराणसी से हल्दिया के बीच में वाटरवे सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, लेकिन अयोध्या से हल्दिया के बीच में जोड़ने की कार्रवाई को भी हम आगे बढ़ाने के लिए सर्वे के कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने वाटरवे अथॉरिटी का निर्माण राज्य के अंदर करते हुए जल मार्गों की संभावनाओं को भी गति देने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर अच्छी क्वालिटी की सड़कें बने, नई तकनीक का इसमें उपयोग किया जा सके, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन FDR पद्धति का भी उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इसको अपनाया था और 5,500 किलोमीटर के मार्ग इसके माध्यम से बने थे। इसमें सड़क की टिकाऊपन भी होता है, लेकिन उसकी लागत में 25% की गिरावट भी आती है, यानी लागत 25% कम होता है, लेकिन मार्ग किसी भी अन्य पद्धति से बनाए जाने वाले मार्ग की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होता है। यह कार्य हम लोगों ने यहां पे किया है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड में हम बीडा का निर्माण करने जा रहे हैं, और बीडा के लिए 36,000 एकड़ लैंड में ये बीडा का निर्माण हो रहा है। 46 वर्ष के बाद नोएडा की तर्ज पर एक नया औद्योगिक शहर बसाने की कार्रवाई और बुंदेलखंड क्षेत्र के भी कायाकल्प करने की दिशा में सरकार के द्वारा बनाए गए प्रयास का यह हिस्सा है। RRTS जो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच में प्रारंभ हुई है, आप देख सकते हैं पहले दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कम होने के बाद भी कितना समय लगता था, 3.5 से 4 घंटे का समय लगता था। आज 12 लेन का एक्सप्रेस वे भी हो गया और रैपिड रेल भी प्रारंभ हो चुकी है। रैपिड रेल चलने से या 12 लेन का एक्सप्रेस वे चलने के बाद अब यह दूरी मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को पूरा किया जा सकता है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से काफी चीजें आगे बढ़ी हैं और अच्छे ढंग से हमने इसको किया है। ये सभी कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के अंदर और भी स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है, जिसके बारे में संक्षिप्त में मैंने कहा कि जिसकी मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा और CM डैशबोर्ड के माध्यम से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोगों ने जो कार्य प्रारंभ किया है, इसमें भी FDI की जो नई पॉलिसी हमारी है, इसमें इसके साथ ही हम लोगों ने 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज भी प्रदेश के अंदर बनाई है। MSME के जो उत्पाद है उसकी मार्केटिंग और उसकी ब्रांडिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन भी गत वर्ष से हम लोगों ने लगाना प्रारंभ किया है। प्रदेश के परंपरागत उत्पादों के लिए ODOP की योजना को भी हम लेकर के आए हैं। प्रदेश के अंदर परंपरागत जो हमारे अन्य जो प्रदेश के अंदर हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इन सभी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए PM विश्वकर्मा योजना और प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उनकी ट्रेनिंग, उनको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के साथ जोड़ने के साथ ही आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के समय एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क का निर्माण हो, इसके लिए 11 फ्लैश पार्क के निर्माण की कार्रवाई को अब तक हम लोग स्वीकृति दे चुके हैं, जिससे छोटे छोटे पार्क बन सके और उसके माध्यम से औद्योगिक निवेश की संभावना वहां पर निजी क्षेत्र के माध्यम से बन सके, या एक नई संभावना को हम लोग प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाए हैं। रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक नई योजना लेने के साथ ही लखनऊ हरदोई के बीच में PM श्री टेक्सटाइल पार्क के निर्माण की कार्रवाई हो रही, जो लगभग 1000 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जा रहा है, जिसमें अत्याधुनिक टेक्सटाइल की वहां पर तकनीक के साथ ही उद्योग लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर ODOP की योजना को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या है, सच्चाई तो क्या है? अगर सच्चाई पे मैं बोलूंगा तो हो सकता है कि हमारे समाजवादी पार्टी के सहयोगियों को अच्छा ना लगे,
लेकिन सच्चाई यह थी कि ये परंपरागत जो हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो उद्यमी थे, 2017 के पहले यह दम तोड़ रहा था। चाहे वह मुरादाबाद का पीतल का उद्योग रहा हो, भदोही का कारपेट का उद्योग रहा हो, फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग रहा हो, या फिर सहारनपुर का वुडन वर्क का उद्योग रहा हो, आपके मेरठ का स्पोर्ट्स आइटम से जुड़े हुए उद्योग रहे हो, या फिर आगरा और कानपुर का लेदर उद्योग रहा हो, ये सभी दम तोड़ रहे थे। और तो और हमारे नेता प्रतिपक्ष के जनपद में स्वयं महा काला नमक चावल आज से नहीं, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय 2000 वर्ष पहले इस चावल पे, उस समय इस चावल की उत्पत्ति होती है, और दुनिया का सबसे अधिक प्रोटीन से युक्त सबसे सॉफ्ट चावल है, दूर से ही उसकी खुशबू दिखाई देती है, लेकिन उसकी कोई ब्रांडिंग नहीं थी, सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं था। आज हमने उसको प्रोत्साहित किया है, आज सिद्धार्थनगर जनपद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में काला नमक चावल को ही हम लोगों ने रखा है। आज इसी का परिणाम है कि पहले उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट मात्र 86,000 करोड़ था, आज वो बढ़कर के 2,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है। ये चीजें दिखाती है कि सही दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़े हैं। प्रदेश ने यहां पर फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे पास निवेश के भारी प्रस्ताव आए थे। आज सुबह के सत्र में पहला प्रश्न भी इससे संबंधित था, और उस समय हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री ने भी आपको यहां बताया होगा, सदन में बताया होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी जो प्रस्ताव हमारे पास आए, इन सब को मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो लगभग 40,00,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अब तक हमें प्रदेश के अंदर निवेश के प्राप्त हुए हैं। ये निवेश के प्रस्ताव अगर आगे बढ़ते हैं तो इससे लगभग 1,25,00,000 इससे 1,25,00,000 यानी 1,25,00,000 से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी प्राप्त होती है, और पहला ग्राउंड ब्रेकिंग फरवरी 2024 में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से यहां संपन्न किया, जिसमें 1,00,00,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को एक साथ शिलान्यास हुआ। उसके पहले कुछ परियोजनाएं प्रारंभ हो चुकी थी और कुछ को उसके बाद भी प्रारंभ किया। तो अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष के अंदर लगभग 16 से लेकर 20,00,000 करोड़ रुपए की निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, और लगभग 7,00,000 से अधिक नौजवानों को इनके साथ रोजगार के साथ और नौकरी के साथ जोड़ने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली है। ये निवेश के प्रस्तावों का परिणाम है। फरवरी 2024 में ही जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी फोर हुई थी, इस फोर्थ की रिपोर्ट के अनुसार ही अब तक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है, और यह प्रोडक्शन इस बात को द्योतक है कि यहां पे इस ऑफ डूइंग बिजनेस में एक बेहतरीन पहल हुई है और उसका लाभ हमारा उद्यमी ले रहा है, और उसके माध्यम से प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की संभावना को भी आगे बढ़ाने में हमें मदद मिल रही है। हम लोगों ने इसके साथ ही प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे अन्य कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे किया, डाटा सेंटर हब के रूप में उत्तर प्रदेश को विकसित करने का हो, लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का हो, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के गठन की कार्रवाई का हो, ये सभी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हो रही है। और आपने कहा गांवों के लिए क्या, तो प्रदेश सरकार ने इसीलिए अपने शासकीय कार्यालयों के साथ साथ ग्राम पंचायतों में भी हम वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करा सके, ई ऑफिस की प्रणाली को हम विकसित कर सके, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत जिन लोगों ने यहां पे निवेश किया है उनका इंसेंटिव उन्हें प्राप्त हो सके,
इसके लिए भी हम लोगों ने इस अनुपूरक बजट में उसका प्रावधान किया है। प्रदेश के अंदर शिक्षा के लिए, खेल और अन्य तमाम प्रकार के कार्यों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है, जिसमें आपने देखा होगा कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एक रोजगार मिशन समिति के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव भी हम लोगों ने यहां पर रखा है, जिसमें इसके संचालन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। कौशल विकास के लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के युवाओं की ट्रेनिंग देने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान का व्यवस्था किया है। रोजगार ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए भी 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और 150 ITI को हम लोगों ने टाटा कंसल्टेंसी के साथ, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी के साथ हम लोगों ने यहां पे उसे वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के सेंटर के रूप में डेवलप करने की बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और जिसमें हम 23 प्रकार के ऐसे कोर्सेज प्रारंभ करने जा रहे हैं जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज की आवश्यकता के अनुरूप, आज की इंडस्ट्री और ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है उसके अनुसार हम उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके। शिक्षा के लिए भी यहां पे कार्य किया गया है। 284 राजकीय इंटर कॉलेजेस में जहां लैब्स नहीं थी उसके लिए 28 करोड़ 40 लाख रुपए की व्यवस्था, 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में वहां पर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना के लिए हम लोगों ने 66 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर हम लोगों का जो लक्ष्य रहा है कि हम लोगों ने अपने यहां प्रदेश के अंदर पिक एंड चूज नहीं किया, हम लोगों ने निजी क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है उसके लिए पॉलिसी बनाई, अगर कोई मानकों को पूरा करता है तो हमने नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारा मानना है कि हर निवेश एक नया रोजगार भी देता है और साथ साथ विकास भी लेकर के आता है। ऐसे अब तक 14 नए विश्वविद्यालय प्रदेश के अंदर बने हैं, लेकिन जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं वहां पर विश्वविद्यालय राज्य सरकार बनाएगी, और इसके लिए जिस कमिश्नरी में विश्वविद्यालय नहीं था उन 6 कमिश्नरी को चिन्हित करके 6 नए विश्वविद्यालय, जिसमें आजमगढ़ में महाराज सोहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो चुका है, विश्वविद्यालय आज अपने स्वयं के भवन में संचालित भी हो चुका है। ऐसे ही अलीगढ़, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह आजादी की लड़ाई में जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में भारत की एक पैरेलल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रहकर के बनाने का काम किया था और अंग्रेजों की सत्ता को समय चुनौती दी थी, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय मेरठ में हमारा बन के तैयार हो चुका है और उस पर भी हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण अलीगढ़ में कर चुके हैं और वहां पर अभी विश्वविद्यालय भी क्रियाशील हो चुका है। एक मां शाकंभरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोगों ने सहारनपुर में किया है और वह विश्वविद्यालय भी वहां क्रियाशील हो चुका है। 4 नए विश्वविद्यालय वर्तमान में बनने की ओर अग्रसर है, जिसमें मुरादाबाद के अंदर गुरु जम्बेश्वर के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग वहां करने जा रहे हैं, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। देवीपाटन मंडल हमारा एक ऐसा मंडल था जहां पे निजी क्षेत्र में या सरकारी स्तर पर, गवर्नमेंट स्तर पर कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, वहां मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। और मिर्जापुर मंडल में वहां पर भी कोई विश्वविद्यालय इस मंडल में भी नहीं था, वहां मां विंध्यवासिनी के नाम पर भी एक विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। तो कुशीनगर में एक कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा बुद्ध के नाम पर एक कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, विश्वविद्यालय के पास आर्थिक संकट था, एक अच्छी भावना के साथ 2001 में विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ था, लेकिन समय के अनुरूप वो अपनी स्पीड को बढ़ाने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा था।
इस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार में समाहित करते हुए आज वहां पर दिव्यांग जनों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए भी हम लोगों ने उस विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के अधीन लेकर के उस विश्वविद्यालय का संचालन सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और यह विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय के रूप में सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। इसके अलावा लखनऊ में यहां पर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी यह भी हमारी सरकार ने बनाई है, वो बनकर के तैयार हो चुकी है, कार्य उसका प्रारंभ हो चुका है, जो प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजेस को अपने साथ संबद्ध करके उस कार्य को आगे बढ़ाएगी, बढ़ा रही है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण गोरखपुर में पूरा हो चुका है, वो अपना कार्य आगे बढ़ा रही है और मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी मेरठ में हम लोग बना रहे हैं, जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। इन सभी कार्यक्रमों को करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने इसमें हॉकी के जो एक महान खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी टीम को जिन्होंने कई बार प्रतिनिधित्व किया था, नेतृत्व प्रदान किया था, ऐसे केडी सिंह बाबू की बाराबंकी स्थित आवास को कुछ वहां पे लिटिगेशन था, इस मामले को लेकर के विवाद हुआ था और न्यायालय ने उनके पैतृक आवास को नीलाम करने के लिए आदेश कर दिया था। सरकार ने इसमें इंटरवेन किया, सरकार ने कहा नहीं, देखिए जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, आखिर हमारी आज वर्तमान पीढ़ी का दायित्व तो क्या है, हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को बचाए रख सके। और उसके लिए सरकार ने उनके आवास को और उनकी पूरी जो प्रॉपर्टी थी उसको सरकार ने कहा कि सरकार इसकी धनराशि देगी और सरकार वहां पर उनके संग्रहालय को बनाएगी, जो हॉकी के लिए उनका योगदान था, इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने की है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण स्टेडियम के लिए मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे माननीय विधायक इस बारे में प्रस्ताव देते हैं कि हाँ हमारे यहां हमारी जनपद में कोई स्टेडियम नहीं है, 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इस सप्लीमेंट्री में ग्रामीण स्टेडियम के लिए की है, जो ग्रामीण क्षेत्र में खेलों के क्षेत्र में लोगों को एक नया प्रोत्साहन मिल सके, इसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था की है। और मैंने परसों भी यहां पे कहा था कि अटल आवासीय विद्यालय देवसी बोर्ड से जुड़े हुए रजिस्टर्ड श्रमिकों निराश्रित बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है, लेकिन हम लोग 57 नए जनपदों में, जो जनपद 18 जनपद आच्छादित है, इन जनपदों में तो अटल आवासीय इन कमिश्नरी मुख्यालयों पे अटल आवासीय विद्यालय है, शेष जनपदों में हम लोग एक सीएम अभ्युदय विद्यालय के रूप में वहां पे एक मॉडल विद्यालय बनाने जा रहे हैं जो डे स्कूल होंगे और इसके लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था पहले से कर दी है। और हमारा यह मानना है कि लगभग ये पहले चरण में जनपद स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर, फिर विकासखंड स्तर पर और फिर कमिश्नरी स्तर पर हम लेके जाएंगे, तो शिक्षा के क्षेत्र की जो चिंता आपकी है उस चिंता को हम लोग दूर करेंगे और वास्तव में शिक्षा के बगैर कोई समाज स्वावलंबन के मार्ग पर और समृद्धि के मार्ग पर कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, सरकार की चिंता है। हमने अनुपूरक बजट में अटल आवासीय विद्यालय के शेष कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की है। ऊर्जा सेक्टर में यहां पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और वास्तव में जब सुविधा मिलती है तो लोगों की इच्छा होती है कि इसमें और वृद्धि हो और अच्छा मिले, तो मनुष्य की वृत्ति भी होती है और होना भी चाहिए, उसका अधिकार भी होना चाहिए कि समय के अनुरूप हम भी आगे बढ़ सके। और इसको लेने के लिए प्रदेश सरकार ने बार बार होती है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके दोनों से तीनों क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया, पावर जनरेशन के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तीनों पर सरकार का ध्यान है, तीनों पर एक साथ हम कार्य करने जा रहे हैं। अगले कुछ वर्षों के अंदर 8000 मेगावाट की नई बिजली प्रदेश के अंदर एक थर्मल पावर के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर पावर कॉर्पोरेशन और उसके जो साथ जो है पीपीए हैं उसके माध्यम से हम लोग यहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। लेकिन हम समय की मांग से, हमें समय से 10 कदम आगे बढ़ने की वृत्ति हमारे पास होनी चाहिए। जितना बड़ा निवेश हमारे पास है, जितनी बड़ी आबादी है, क्योंकि जब हम लोग आए थे 2017 में
121,000 मजरे ऐसे थे या गांव ऐसे थे जिनमें बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी, हम लोगों ने बिजली वहां पहुंचाई। 1,76,00,000 परिवार ऐसे थे जिन्होंने कभी बिजली देखी नहीं थी, उनको निःशुल्क बिजली के कनेक्शन भी दिए। 14,00,000 से अधिक किसान ऐसे थे जिनके ट्यूबवेल के कनेक्शन तो थे, बिजली भी आती थी, लेकिन बिजली के बिल वे नहीं पे कर पा रहे थे। हमने अप्रैल 2023 से सरकारी ट्यूबवेल के साथ साथ निजी ट्यूबवेल के जो कनेक्शन उस समय दिए गए थे, इनके लिए धनराशि का प्रावधान करते उसके बिल को माफ कर दिया है और सबको व्यवस्था करती है कि वहां से कोई बिजली नहीं लेगा। हाँ, पिछला जो बताया है उसके लिए ओटीएस की स्कीम विभाग लेके आएगा और मैं चाहूंगा कि लोग उसको अगर दे देंगे तो हमें अच्छा होगा कि इन ट्यूबवेल को हम सोलर पैनल के साथ जोड़ देंगे तो परमानेंट उनको बिजली की एक व्यवस्था, उनके लिए एक मैकेनिज्म बन जाएगा। और अगर वहां बन जाएगा तो शेष अन्य जगह ट्यूबवेल के कनेक्शन देने के लिए हम लोग आगे कार्यक्रम बढ़ा पाएंगे। बहुत सारी चीजें यहां पर आई है, जैसे सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना। माने जी आप जानते हैं योजना 1972-73 में बनी थी, 72-73 में बनने के बाद ये योजना कभी पूरी नहीं हो पाई। जिस समय योजना की पीपीआर बनी थी, योजना आयोग ने उस समय जब बनाई थी, उस समय इसकी लागत थी 100 करोड़, और यह 2017 तक आधी अधूरी थी, एक भी बूंद पानी कहीं नहीं जाता था। इस योजना पर हम लोगों ने मिशन मोड पर काम किया, लैंड एक्वायर किया, और लैंड एक्वायर हमने चकबंदी की प्रक्रिया को इंतजार के बगैर लैंड एक्वायर किया, उसकी धनराशि दी, प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से इसमें धनराशि उपलब्ध करवाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को 2021 में प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण कर दिया है। 14,00,000 हेक्टेयर भूमि को इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा, नेपाल से सटे हुए जनपदों को आपके बहराइच से लेकर के बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा से लेकर के सिद्धार्थनगर, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर, गोरखपुर, इन सभी जनपदों को सिंचाई की सुविधा इसके माध्यम से प्राप्त हुई है। शेष नहर के बाद जो उसके गोल और उप नहर बनने हैं उस पर कार्य चल रहे हैं, और वो भी मेरा अनुमान है कि विभाग इसको भी पूरा कर लेगा और हम इसके माध्यम से बेहतरीन सिंचाई की सुविधा उस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। यह कार्य वहां पे हुआ है। अर्जुन सहायक परियोजना हो या बाण सागर की परियोजना हो, ये सभी को अगर देखेंगे तो पिछले 7 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लगभग 22,00,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा दी है, उत्तर प्रदेश के अंदर दी है। ट्यूबवेल के कनेक्शन को हम लोगों ने, ट्यूबवेल के जो कनेक्शन पहले से चल रहे थे उनको फ्री किया, फ्री में बिजली उपलब्ध करवा रहे हैं, और मुझे लगता है हमें वहां उसको उसके सोलर पैनल लगाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 60,000 से अधिक अब तक हम लोगों ने सोलर पैनल उपलब्ध करवाए हैं किसानों को, जिन किसानों के द्वारा ट्यूबवेल की सुविधा जहां उपलब्ध नहीं हो रही थी उसको भी ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें बहुत सारे कार्य किए गए हैं। लेकिन साथ साथ इस दिशा में जो मांग और आपूर्ति में, सप्लाई एंड डिमांड में जो अंतर है, जो चर्चा यहां पर हो रही थी, अभी जो बात यहां पे नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी ने बात यहां पे कही कि आखिर हमारी डिमांड कितनी है, यानी यह आज तो 1 अगस्त में हम आए हैं, हम कल ही देख रहे थे, कल ही हमारी समीक्षा चल रही थी इस मुद्दे को लेकर के। 2016 में प्रदेश के अंदर जो पीक डिमांड होती थी वह 16,000 मेगावाट की होती थी, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर डिमांड कितनी चल रही है, 31,000 से लेकर 32,000 मेगावाट की, और तब भी हम लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं, तब भी पावर कॉर्पोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। कारण था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पहले गांवों में बिजली नहीं थी, पहले उद्योग नहीं थे, पहले ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे, पहले लोग और किसान भी इन सबसे वंचित था। आज हमने बिजली के कनेक्शन दिए, उद्योग लगाए, ट्यूबवेल को कनेक्शन दिए, आज बिजली हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, खास तौर पर एक व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था कि हम जिला मुख्यालयों को 24 घंटे देंगे, तहसील मुख्यालयों को हम 20 से 22 घंटे देंगे,
18 से 20 घंटे हम ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन समय पे बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हो पा रही है। आज भी मैं देख रहा था कि लगभग हमारे 31 के आसपास जनपद ऐसे हैं जहां पर बारिश एवरेज से काफी कम हुई है। पावर के लिए हाइड्रो पावर आपके लिए है, आपके पास है, तो आपको उसके लिए पानी भी चाहिए। पानी आएगा तो पानी साफ सुथरा पानी भी दिखना चाहिए, और उससे थोड़ी समस्या जरूर आई है, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम इसको भी पावर कॉर्पोरेशन को सरकार संबल दे रही है। आज हम लोग अकेले पावर कॉर्पोरेशन में जो पैसा खर्च कर रहे हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी राशि, 46,000 करोड़ रुपए हम उनको सब्सिडी के रूप में देते हैं, 46,000 करोड़ रुपए। याद करिए, अगर हम इस पैसे को बचा पाए, ये पैसा अगर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, प्रदेश के विकास में लगे, इसके रिजल्ट कुछ और आएंगे। लेकिन आज की आवश्यकता है, और उसके लिए फिर भी सरकार इसको देने का कार्य कर रही है, इस पर हम आगे कर रहे हैं, और इसीलिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हमने इस बार भी बजट पावर के इस सप्लीमेंट्री डिमांड में भी हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए पावर कॉर्पोरेशन को उपलब्ध करवाए हैं, जिससे वह अनवरत बिजली की आपूर्ति प्रदेश के नागरिकों को दे सके। जहां तक प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, हम लोगों ने विभाग से भी कहा, विभाग के द्वारा हर एक डिस्कॉम को इसके लिए जवाबदेह बनाया जा रहा है कि टोल फ्री नंबर 1912 को एक्टिव रखें, प्रॉपर रिस्पॉन्स होना चाहिए, हर एक फीडर की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और इस पर कार्य हो रहे हैं। क्योंकि यह एक संक्रमण काल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज किया जा रहा है, काफी स्ट्रेंथनिंग की कार्रवाई हो रही है, स्वाभाविक रूप से वह एक संक्रमण काल होने के नाते इस दौरान थोड़े बहुत संकट आ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इसके स्थायी समाधान की तरफ सरकार आगे कदम बढ़ा रही है, और मेरा विश्वास है कि पावर कॉर्पोरेशन इस दिशा में आगे बढ़ेगा। कृषि और उसका जो संपर्कीय क्षेत्र है, इसमें भी सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए हैं। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सभी मामलों में एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर किसानों के लिए जो योजनाएं घोषित की, पहली बार किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा बना। एमएसपी केवल घोषणा नहीं होगी बल्कि वास्तविक धरातल पर उसे एमएसपी का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे। पहली बार हुआ कि किसान की जमीन के सॉयल हेल्थ कार्ड की व्यवस्था है, और पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का किसान तो सर्वाधिक इस योजना का लाभ ले रहा है, और वह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या इस सम्मान निधि को किसी का चेहरा देख करके दिया गया है? क्या नहीं, किसान किसान है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा देश की चारी जातियां हैं, चारी जाति देश के अंदर है, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है, और एक युवा है, ये चार जातियां हैं। इन चार जातियों से ही, इन चारों पर अगर हम फोकस कर लें तो देश के अंदर कहीं भी भेदभाव की बूंद नहीं आएगी, और मुझे लगता है कि इसी को फोकस करते हुए केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने अपने बजट को प्रस्तुत किया है। ये चार के उत्थान के लिए, उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए सरकार के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, कृषि सेक्टर अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन का माध्यम बना है, कृषि विज्ञान केंद्र इसके उदाहरण है। याद करिए 2016 में भारत सरकार उत्तर प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, तत्कालीन सरकार ने नहीं लिया, 15-16 में देना चाहते थे, नहीं लिया। 17 में सरकार बनी, हमारे कृषि मंत्री मेरे पास आए कि 20 कृषि विज्ञान केंद्र मिल रहा है, मैंने कहा तत्काल झटके से ले लो, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। वे गए, 20 के 20 कृषि विज्ञान केंद्र आए, फिर मैंने कहा एक बार थोड़ा कृषि विज्ञान केंद्रों का विजिट तो करें, थोड़ा रिपोर्ट तो दें क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा बहुत खराब स्थिति है। मैंने कहा इसको कैसे ठीक होगा, उन्होंने कहा नहीं हम ठीक करते हैं, और आज मैं कह सकता हूं कि हर कृषि विज्ञान केंद्र नियमित अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालयों को देता है, और विश्वविद्यालय अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवाता है, वहां ट्रेनिंग हो रही है, किसानों की ट्रेनिंग हो रही है, डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं, कैसे बेहतरीन बीज और खाद बीज उनको उपलब्ध हो सकते हैं, कैसे अच्छी क्वालिटी कैसे हो सकती है, कैसे समय पर हम कौन सी किस्म कहां पे बोएं,
इसके बारे में भी दी जा रही है और वहां पे अच्छी लेबोरेटरी के माध्यम से हम लोग किसानों के उत्पाद की जांच भी कर पा रहे हैं और सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त हो रही है, एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 7 वर्षों में दलहन उत्पादन में 36% और तिलहन उत्पादन में 127% की वृद्धि उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। फसल के विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़े हैं। एग्रोटेक पॉलिसी के माध्यम से हम लोगों ने दलहन और तिलहन के साथ साथ श्री अन्न फसलों को भी प्रदेश के अंदर बढ़ावा दिया है, जो हम पहले मोटा अनाज बोलते थे और गांव में कोई गरीब उस अनाज को खाता था लोग हंसते थे, आज दुनिया उसके पीछे भाग रही है। पैरे साहब अगर जीवित रहना तो इसको खाओ, ये श्री अन्न के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उसके महत्व को समझाया है। और आज आप देखते होंगे किसी भी बड़े होटल में या समारोह में आप चले जाइए, एक डिश आपको श्री अन्न की जरूर वहां पर मिलेगी। 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन के आकलन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है देश के अंदर। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 9,43,000 किसानों को जोड़ते हुए 3,406 एफपीओस का गठन भी प्रदेश के अंदर हुआ है और इसमें एफपीओस के माध्यम से 529 फार्म मशीनरी बैंक, 472 वेयर हाउस यानी कोल्ड स्टोरेज व 100 सीड प्रोसेसिंग यूनिट का संचालन कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो हम लोगों ने यूनिट स्थापित की है यहां पर, इस यूनिट के माध्यम से जो वार्षिक टर्नओवर है उसका वो 629 करोड़ रुपए है, जो 100 यूनिट यहां पे हमने सीड प्रोसेसिंग की स्थापित की है। किसान सम्मान निधि के अंदर देश के अंदर 2,62,00,000 किसान अकेले उत्तर प्रदेश की इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिसके माध्यम से अब तक प्रदेश के अंदर एक बड़ी राशि 6,000 रुपए प्रत्येक किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से हर वर्ष उपलब्ध हो जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे बेहतरीन लाभ मिला है। पंडित जी आप तो जिस जनपद से आते हैं आप उसको देखते होंगे, आपने स्पीकर के रूप में भी आप भी जाते थे, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी आप देखते थे, सिद्धार्थनगर के जिला चिकित्सालय में भी देखते थे और आज तो आपके जिले में माधव बाबू के नाम पर, माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। माधव बाबू भी आप लोगों के साथ इमरजेंसी में जेल में थे और उन्होंने उस जिले को एक नाम आगे बढ़ाया था। उनकी स्मृति में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने सिद्धार्थनगर में भी किया है। कोई सोचता था सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी? कभी नहीं। कोई सोचता था कि बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि महाराजगंज, कल ही महाराजगंज के पीपीपी मोड पर बने हुए मेडिकल कॉलेज को एडमिशन के लिए मान्यता प्राप्त हुई है? कोई सोचता था कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कभी देवरिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? कोई सोचता था कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा? गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, यहां कोई मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो? कोई सोचता था सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, यानी ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के वे जनपद हैं जिन जनपदों को माना जाता था कि साहब यहां पर व्यक्ति की मौत की कीमत नहीं थी, बीमारियां हर वर्ष उनको निगलती थी। उत्तर, अगर आप उत्तर क्षेत्र को देखेंगे, ये पीछे कुछ लोग थोड़ा ज्यादा वहां पे कमेंट्री कर रहे हैं, पीछे थोड़ा उनको ठीक कर देते, पीछे की तरफ जो लॉबी है उसमें यहां अंदर जाए, मान्य सदस्य गण यहां सुन रहे हैं उनके बाहर देख रहे हैं कमेंट्री से यहां के उसमें जरा बोले, जरा शांत रखे। महोदय दोनों तरफ देख लें, मैं इस चीज की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, इंसेफ्लाइटिस, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और सहारनपुर तक अगर आप जाएंगे, इंसेफ्लाइटिस से 1,500 से 2,000 बच्चों की मौत इसी सीजन में होती थी, इसी सीजन में होती थी। और ये मरने वाले बच्चे कौन थे? या तो दलित थे या अल्पसंख्यक समुदाय के थे। और मैं कह सकता हूं हमारी सरकार ने
अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेहतरीन प्रयास किया, भारत सरकार के साथ समन्वय बनाया, आज इंसेफ्लाइटिस समाप्त। इंसेफ्लाइटिस समाप्त एक मॉडल है दुनिया के लिए।